देखिए, ये द कन्वर्जन एक फिल्म है जो कि 6 तारीख को पूरे देश में रिलीज़ होने जा रही है। लव जिहाद जैसे संवेदनशील विषय के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। बॉलीवुड में इस प्रकार की फिल्म पहली बार बनी है जो बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में चर्चा करती है। रिलीज़ होने से पहले देश के सभी प्रमुख शहरों में चुनिंदा सेलेक्टेड ऑडियंस के सामने इसकी स्क्रीनिंग करा रहे हैं। बेंगलोर में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में, जबलपुर में हो चुकी है, आज ग्वालियर में है, परसों वाराणसी में है, 1 तारीख को मुंबई में है, 5 तारीख को दिल्ली में है और इसके बाद ये 6 तारीख को पूरे देश में जनसाधारण के लिए, पब्लिक के लिए रिलीज़ होगी। इसी सिलसिले में आज हम लोग ग्वालियर में आए हैं और केवल एक ही विषय है कि लव जिहाद के बारे में जागरण हो। ग्वालियर ने तो अभी कुछ दिन पहले इस विषय को देखा है, इस प्रकार किस प्रकार का अत्याचार होता है। इसी संवेदनशील विषयों और बेटियों के ऊपर अत्याचार को लेकर एक ये सामाजिक मिशन भी है और एक फिल्म भी है। जी, बेटियों के ऊपर अत्याचार के बारे में जानकारी देने वाली फिल्म है और समाज अपनी बेटियों के साथ खड़ा हो, खुलकर जो भी उनके ऊपर संकट है उस पर चर्चा हो, इसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। जी, आरोपी के साथ परिवार को भी सवाल करना चाहिए, जैसा कि आजकल नीति चल रही है, बुलडोजर नीति। आपको क्या सहमत? पूरी तरह सहमत है। बुलडोजर आज लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक बन चुका है, बुलडोजर कानून और व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है और बुलडोजर अब लोगों में सुरक्षा की भावना का, माफिया केवल अकेला माफिया नहीं, माफिया ने जो दुष्कर्म करके संपत्ति अर्जित की है उसके ऊपर भी सरकार का डंडा चल सकता है। ये एक सीधा संदेश अब और जनता की आकांक्षा भी है कि इस प्रकार की कार्रवाई हो। जहाँ पे परिवार अपराध में शामिल है वहाँ पे किसी ना किसी रूप में भुगतना पड़ता है, लेकिन अवैध संपत्तियों पर ही बुलडोजर चल रहा है और परिवार के पास अपराध को रोकने का भी ऑप्शन होता है और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई उन्हें गलत लगती है तो कोर्ट का ऑप्शन तो सभी के पास है। मुझे लगता है कि ऐसा एक मामला सामने आ गया, ऐसे हजारों मामले हैं जहां लड़कियां चुप रह जाती हैं या बाद में कहीं उनकी हत्या ही हो जाती है। तो इस एक बेटी के विषय को देखते हुए हमें ये समझना चाहिए कि कितनी भयानक पीड़ा से देश में बेटियां गुजर रही हैं और समाज को बेटियों के साथ खड़ा होना चाहिए। अभी आपने फिल्म बनाई है, लेकिन अब आगे क्या करने वाले हैं? क्या बेटियों के लिए, खासतौर पर हिंदू समाज के लिए? विनोद तिवारी जी ने फिल्म बनाई है और प्रोड्यूसर राज पटेल जी हैं। हम लोग केवल इस फिल्म के संदेश को देश भर में लेकर जाने का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसको देखकर और इसके संबंधित बाकी खबरों को देखकर भी समय आ गया है कि इस विषय से बचा ना जाए, पर्दे के पीछे बात ना की जाए, खुलकर इस विषय पर चर्चा, कम से कम संवाद लव जिहाद के मुद्दे पर देश भर में शुरू होना चाहिए।